हमारा प्यार इससे देखा नहीं जाता कहीं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आर मुंबई हाउस। नहीं, अभी हम पी रहे चाय और साथ में खा रहे हैं ब्रेड बटर। और अभी हमारी वीजा की अपॉइंटमेंट है तो हम उसके लिए जा रहे हैं। आई जस्ट टुक शावर बाय द वे एंड आई लव दिस स्टॉप। सो खाते हैं एंड निकलते हैं वीजा के लिए। क्रॉस फिंगर्स, आई होप हो जाए। अगर हो गया तो बल्ले बल्ले शावा शावा, मजे आ जाएंगे आप लोगों को, आई एम श्योर। सो यस, लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी खाते हैं, तैयार होते हैं और चलते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, यशवी मेड चाय फॉर मी टुडे। यस गाइज, पहली बार ये खुद नहीं पीती और इसने बनाई है। एंड दैट्स माय ब्रेकफास्ट, मिसिंग मम्मा एंड मिसिंग चाय भाकरी। अब हम करते हैं मेकअप और ब्रेकफास्ट एंड वी आर गुड टू गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या खा रही है दीदी? मैंने मंगवाया है इदरा, जो इंडी वाज मिसिंग गुज्जू फूड। और हम टेस्ट करने जा रहे हैं यशवी की चाय गाइस। यशवी विल बी लाइक, अच्छी नहीं बनी है, ना अदरक थी ना इलायची थी, दैट इज ट्रू, बट स्टिल हम तो जज करने वाले लोग हैं। डोंट जज मी, ओके? अच्छी बनाई है। नहीं, हुआ यशवी बहुत अच्छी लग रही है मुझे चाय से। मैं सोल को टच कर रही है गाइस, फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग। गाइस मेरी बहन ने पेपर इदरा मंगवा दिया, दिखा दीदी। दिस इज वेरी यम्मी है। वेरी यम्मी है गाइस, आवर आउटफिट टू वीजा ऑफिस। यस गाइस, वीजा का काम हो गया और मेरी बहन यहाँ वेंडिंग मशीन से खाना ले रही है क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही है। दीदी का तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा होगा, मेरा थोड़ा ठीक ठाक सा था तो मैं दीदी के में से खाऊंगी। व्हाई नॉट, स्ट्रीट फूड खा के हम आ गए हैं स्ट्रीट शॉपिंग करने। वी आर एट कोलावा राइट नाउ। मैं तो थोड़ा कलेक्शन देखने एक्सप्लोर करने आए हैं क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो देख लेते हैं। गाइज मैं आपको सच बताऊं, जब हम स्ट्रीट फूड खा रहे थे तब मुझे लग रहा था मैं घर चली जाती, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे बहुत मजा आ रही है। हाय गाइज, आई एम बैक इन सूरत और यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे पार्सल्स हैं। ये सारे मुझे ओपन करने हैं, थोड़े बहुत काम के हैं, मतलब ब्रांड ने भेजे और थोड़ी बहुत चीजें मैंने खुद अमेजोन से ऑर्डर की थी। सो लेट्स ओपन ऑल दी पैकेजेस दैट वी हैव गॉट। नहीं, ये उन्होंने भिजवाया है, मत खोल ऐसे। गाइज मुझे ना एक वीडियो करनी है एक ब्रांड के लिए। नहीं, ये वीडियो मुझे करनी है आप लोगों के लिए। लगता है उसके प्रोडक्ट आ गए। दीदी ने ऑर्डर भी नहीं किया और मेरे प्रोडक्ट भी आ गए गाइस। दीदी वाई सो लेट लती। दीदी थिंग्स एंड ऑर्डर्स। व्हाट? दीदी थिंग्स एंड ऑर्डर्स। ये कह रही है दीदी थिंग्स एंड ऑर्डर्स। गाइस 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस प्लीज। माय गॉड, बहुत कुछ भेज दिया है लोगों ने। हमारे पास है मिंट्री के थोड़े प्रोडक्ट्स जो हम यूज करके आप लोगों के लिए जल्द ही एक वीडियो में रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव अमेज़न। आजा बैठ जा। गाइस को बहुत क्यूरियोसिटी है, तुझे कैसे पता था हनी ट्विग्स है? गाइस मेरी बहन कभी कभी स्मार्ट होती हुई देख लीजिए। माय डम या नो? अच्छा चल, स्मार्ट वाली गेस कर इसमें क्या है। नहीं, किसी के ऊपर रखते हैं। चलो चलो एक और गैस। पता है क्या है इधर जैसा कि लग रहा है टूटा आया है गाइस। बाथ टब के ऊपर रखते हैं, बस फालतू खर्चे करवा लो। बाथ टब हमने हमें घर बनवाए हुए 1.5 साल हो चुका है, आज तक वो बाथ टब यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस कारण से गाइस, इस बार इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मोटर चालू। हमारा बंगला वाला घर है, बंगला मतलब ऐसा गाड़ी महंगा घर। आई एम अ वियर्डो, I wanted to get it and I had it in my cart for really long and I was thinking, और अगर मैं कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ तो मुझे लगता है ले लेनी चाहिए, तो मैंने ले लिया। ये भी मैंने मंगवाया। क्या ये? इट्स अ बबल बाथ, मतलब वो जो हम फोम करते हैं ना। पापा इस बार लाइट बिल बहुत आएगा पापा। वो जो फोम करते हैं ना एकदम मस्त वाला फ्रेश लैवेंडर बबल बाथ गाइस। अब मैं वो एस्थेटिकली प्लीजिंग वीडियो बनाऊंगी गाइस। मीशो गाइस,
मेरी सुंदरता रही है मुझे, वो भी बात सही है, तुझे दिख सही नहीं रहती। कचरा हो जाएगा, मम्मी बहुत मारेंगी। खोखे मंगवाए इसने। ओह नो, दिस इज ये मैंने मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया है। हम दोनों, एक तो गाइस हम दोनों की प्रॉब्लम, हम दोनों मंगवाते हैं सेम चीजें। लिटरली एक दिन मैं ट्राई ऑन कर रही हूँ और ये ट्राई ऑन कर रही हूँ, हम सेम डिफरेंट वेबसाइट से। मैंने ना बहुत क्यूट से ऐसे मगवग मंगवाए हैं गाइस, ये देखो कितना क्यूट मंगवाया है मैंने, ये देखो फेमस दिल वाले कप आए गाइस, और अंदर भी दिल है गाइस। आप चाय पी लो, फिर आज की चाय इसलिए पीऊंगी मैं। मूविंग ऑन, ये मैंने मंगवाया है लोकल मिशन। ओके गाइस, फिर आए हैं क्लचर्स जो हम ही ने मंगवाए हैं। आई जस्ट वॉन्टेड देम टू बी व्हाइट, दे आर वेरी ऑफ व्हाइट, दे आर नेक्स्ट टू येलो, बट ठीक है। ये ऐसा लग रहा है मैले से हो गए, इनको ब्लीच कर दें हो जाएंगे सही, पपड़ी उतर जाएगी। ये नायका पैकेट खोलना है तुझे? हाँ, अभी तो तुझे लगा भाई, चक्कू मेरा बहुत दूर था, नहीं तो अभी तो तू बोलती अटेम्प्ट टू मर्डर लगाती थी उसी। दो रुपए का नहीं करना, ये ट्राई करना, ये बॉक्स की साइड रखा। गाइस बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भेजे हैं, ये मेरे पार्सल खोल देती है गाइस, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही होती है। मैं बैठी थी, वाओ लला यूजलेस बैग मंगवाती है, कोई यूजलेस नहीं, मेरे को ना गाइस ऐसे भी मैंने किया था ना कलर कॉम्बिनेशन बैंड्रो गर्ल, लाल बैग नहीं था मेरे पास, जरूरत थी गाइस। क्यूट है, लाल के ऊपर लाल हो गया इसके साथ, देखिएगा ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। मीशो से मंगवाए हैं हम, सस्ता पड़ा है बहुत, इसके लिए हम खुश हैं बहुत गाइस। एक संडे बैठ के मैंने अमेज़न से आधे से ज्यादा चीजें मंगवाई। पैंट्री लाइनर्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्या है गेस्ट जानवी, गेस्ट तूने मंगवाया, कर दे क्या मंगवाया। एक काम करती हूँ, मुझे तू पकड़वा ठीक है, आग बस लेके मैं गेस्ट करती हूँ। अरे यार क्या है, डब्बे में डब्बा शीशा। ओ गाइस ये बहुत महंगा मिरर है जो मैंने मंगवाया, सो एक्साइटेड, पकड़ इसको। और ये देखिए साइड से एकदम ऐसा आपके आईब्रो के अंदर का कचरा भी दिखेगा गाइस। भाई मेरे को जिधर दाने नहीं है ना वहाँ पे भी दाने दिख रहे हैं, आगे ना अब इस साइड नॉर्मल है। भाई मेरे मुँह पे इतना कचरा कैसे लगा हुआ है। अंदर ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे गाइस, गोल्ड, रोज गोल्ड, सिल्वर, एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग विद ब्रॉन्ज बिकॉज ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन माय रूम आर ऐसे थोड़ा सा ब्रॉन्ज टाइप। गाइस मैं इसकी वो हूँ आईकिया फिटिंग करने वाली बंदी, कुछ नहीं एक पकड़ लिया है नाटक है। अभी तक तो ये तुझसे तो ये भी नहीं हो रहा था, मैं बोल रही थी करवा दे मेरे साथ, ये नहीं बोल रही थी कर दे गाइस। देन वी हैव दिस इनविजिबल वंस, सिलिकॉन वंस, वेरी आईएमपी फॉर गर्ल्स। ये तो बहुत ही क्यूट परचेज है गाइस, बट दिस वाज एक्सपेंसिव। मैं ना बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सेम सूट मंगवाया गाइस दो अलग जगह से, तो एक मैंने मंगवाया एक तूने मंगवाया। गाइस दिखने में तो बहुत ही क्यूट है, और अगर ये अच्छे हुए ना तो मैं ट्रैवलिंग में यूज करूंगी। कंपैरेटिवली डिजाइन और फैब्रिक थोड़ा सा लो ग्रेडेड है, बाकी प्रिंट वगैरह तो काफी मे भी धुल एक वॉश के बाद में दिखूंगी, पर लग तो बहुत सुंदर है गाइस। देख रहे हो बहनों की चॉइसेस अलग है, बट फिर भी बहुत गाइस मैंने ना ऐसा सेम मंगवाया था मिंत्रा से ब्लू कलर में, जानवी ने मंगवाया है मीशो से यस इन पिंक कलर, इन पिंक कलर। इसका फैब्रिक उस वाले डिजाइन एग्जैक्ट सेम है, पर इसका मुझे तो फैब्रिक में फर्क नहीं लग रहा है, मुझे तो फैब्रिक में काफी फर्क लग रहा है। अब इनको बताना पड़ेगा ना इन्होंने अब मिंत्रा से मंगवाया और हमने मीशो से, इसके लिए कह दिया गाइस। जवेरी पर्ल्स ये मैंने मंगवाए, वो भिजवाया है गाइस। गाइस मैंने मंगवाई है कंघियां, कंगे 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 कंगे। हेलो हेलो, चंदा दे जाओ कम से कम, मजे ले रहे हो तो ये ले जाने। तुमको ये सस्ता सा एक और टॉप मंगवाया, सस्ता सा एक और गाइस। ये ना मेरे को बहुत इसे वो करती है, नीचा दिखाती है गाइस। मिनी किड्स, आई लाइक द कलर। हमने मंगवाए हैं तीन कॉम्ब्स, ये है पहला वाला ऐसे जिगजैग जुक करने के लिए, ये वाला क्योंकि आपकी बहन जब आप ये यूज कर रहे हो तो मांगते तो उसको ये दे दो, और ये वाला जब आपने गीले बाल हो आपको कॉम्ब करना हो, और ये जब आपको एकदम ऐसे स्लीक लुक चाहिए। कितनी क्यूट है, बाय। मैंने एकदम क्यूट से वो मंगवाया है छोटे छोटे बालों में लगाने वाले, ऐसे अच्छे लगते है गाइस कुछ अलग करने के लिए। देखो हाउ क्यूट, माई मॉम विल लव इट आई एम श्योर। अब नहीं बचाओ सैड गाइस, मेरे सारे पार्सल्स खुल गए। ओके गाइस दैट इज इट, हेलो यू ऑल, हेलो फ्रॉम मुंबई हाउस। मैं अकेली हूँ अभी घर में, एंड आई जस्ट गॉट राइट नाउ इट इज 9:54, और मुझे मतलब ऐसे 5 मिनट आए हुए होंगे, आए हुए हुए गाइस लेट्स हैव गन्ने का जूस, 5 मिनट
पहले मैं आई हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे मेरा खाना भी मंगवा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ शार लेने क्योंकि ट्रेन जर्नी बहुत ही ज्यादा थका देती है एंड टुमारो आई हैव एन इवेंट टू अटेंड. आई एम गोइंग विद मेबलिन इंडिया टू अलीबाग एंड इट इज गोइंग टू बी अ सुपर फन इवेंट. तो उसके लिए आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश माय हेयर एंड जस्ट इसे अच्छे से सो जाऊंगी. कल सुबह हमें 8 बजे यहाँ से निकल जाना है ताकि हम 9 बजे फेरी पकड़ पाए. सो दैट इज द प्लान. कल इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक वेरी हैवी डे बट इट इज गोइंग टू बी सुपर फन. बहुत सारे क्रिएटर्स साथ में अलीबाग जाने वाले हैं. सो ये आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द न्यू लॉन्च जो मेबलिन कर रहा है इसका लूमी मैट फाउंडेशन का. सो अभी हम जाते हैं. आई एम गोइंग टू टेक शावर. एकदम ये जो ऑयल की जो फैक्ट्री लगी हुई है बालों में से उसको निकालते हैं एंड देन खाना खाते हैं और सो जाते हैं और फिर कल सुबह तैयार होके चले जाएंगे गाइज. एंड गाइज डन विद द शावर आई फील सो सो गुड. मैं स्किन केयर भी कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू ईट. ऑल्सो आई हैव गॉट 2 बड़े बड़े पिंपल 1 और 2 ये जा चुके हैं बट द बम्प इज स्टिल देयर. बट ठीक है माई स्किन हैज गॉन अ लॉट बेटर. पीरियड्स की वजह से एक दो पिंपल्स तो आ ही जाते हैं. ओके वी विल इग्नोर दैट टॉपिक फॉर नाउ एंड आई एम गोना ईट. ऑल्सो गाइज लुक एट माई नेल्स. ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना. एंड ये प्रेसॉन्स है गाइज. माई फ्रेंड निहाली लेट्स टॉक नेल्स मेक्स दीज नेल्स फॉर मी एंड मेरे परफेक्ट साइज के नेल्स हैं. आई लव इट. दैट्स माई फूड. वी हैव थाली हियर. पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज है, दाल है, गुलाब जामुन है. वी ऑल्सो हैव रोटीज हियर. यम यम यम. गुड नाइट गाइज. आई एम गोइंग टू सी ऑल टुमारो मॉर्निंग. Good morning guys. I just woke up. It is 7:26 right now and I'm supposed to leave by 7:45, 7:50 jaisa. So let's go. And guys, that's my outfit. I'm also supposed to wear a blazer, but मैं वो वहां जाके पहनूंगी. मेरे पास एक white shirt का भी option था but I like this more because they want me to wear lilac. So let's put on some makeup and let's go. वहां जाके मुझे base makeup remove करना पड़ेगा और वापस करना पड़ेगा. Of course we are going to test the foundation. Guys, this video is not sponsored by the way, but yeah. So yeah, let's do some slight amount of makeup. And let's go. मुझे ना थोड़ी सी स्कूल पिकनिक वाइब्स आ रही है फॉर सम रीजन. आई डोंट नो व्हाई. मतलब असेंबली होती है ना कि आपको असेंबल होना पड़ता है बाय दिस टाइम. सो गिविंग मी अ लॉट ऑफ स्कूल डे वाइब्स. क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है. मुझे लग रहा है मुझे कुछ खा के जाना चाहिए ताकि मैं एक मेडिसिन ले सकूं. क्योंकि हम फेरी में जा रहे हैं और फेरी में काफी सी बम्पी राइड होती है. मोशन सिकनेस वगैरह होने के चांसेस होते हैं. मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ खा लूं और वो दवाई ले लूं और फिर मैं जाऊं. व्हाट डू गाइस से. गुड आइडिया ना. अब थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाते हैं गाइस. आई एम रनिंग लेट. आई हैव टू लीव. ओके मैं भी कुछ खा पी तो नहीं सकती. सो आई एम जस्ट गोना गो दिस वे. Hello guys, we are in the room with a lot of lilac outfits. We are in the golden room. इसके बाद हम फेरी पकड़ेंगे टू अलीबाग. सारा मैम ने चेंज कर लिया है. सो क्विक. हाँ कैंपिंग वाले सब लाइलैक में ना. सारा मैम इज नॉट डूइंग द कैंपिंग. होटल. लेट्स गो. ऑल राइट हम आ गए हैं रूम में एंड आई एम शेयरिंग माई रूम विथ दी सारा सरोज एंड वी हैव रियली गुड स्टफ हियर. बहुत इसे स्पॉइल किया गया है हमें. एवरीथिंग इज लाइलैक एंड द जर्नी वॉज बम्पी बट ठीक है मजा आ रही है. ये लोगों ने सेटअप बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है. नीचे जाके आगे का पता चलेगा कैसा है. गाइज माई नेबर्स आर सो क्यूट. I'm seeing after so long. Yes, we are here at the glam station booth. We are putting the product on. मैंने लगा लिया. Now it's Sara's turn. मैंने लगा लिया. Love the shade match. Very lightweight, very beautiful. Loved it. Not sponsored, guys. Genuinely not sponsored, but. लंच करके सब रूम में आ गए. गाइस फॉर अ चेंज इम्पल्स कॉफी बनाने जा रहे हैं. चाय दो यहाँ बना लो. दो मैं वहां से बना के लाती हूँ. यहाँ पे चार थोड़ी बनेंगी. वी ऑल आर सो स्लीपी. चीयर्स. चीयर्स. दिस इज सो क्यूट.
Guys, we have changed into our party outfit and we are going down. We also have the camera because now we have to film ourselves. So let's go. Everything is so lilac. I've been saying this the whole time in the vlog, but guys, I'm having my dinner and यहाँ पे ये लोग भी आए हुए हैं. Very cute vibes going on. और हम सब ने night suit पहन लिया. Finally makeup निकाल लिया है. And now dinner, मेरा dinner अकेले का और chit chat बहुत सारी. Bye bye guys. बहुत time हमने बातें की हैं. Hello you all. Good morning. मैं उठी आधे घंटे पहले एंड मैंने और सारा ने बस मेकअप वेकअप कर लिया. वी हैव चेंज. ये मेबेलिन ने हमें दी है और टी शर्ट तो हमने ये भी पहन ली है. अभी किक बॉक्सिंग होने वाली है बट उससे पहले लेट्स ईट समथिंग बिकॉज वी आर वेरी हंग्री एंड देन वी विल गो बैक टू मुंबई. गुड डे एंड नाइट भी बहुत ही अच्छी थी. लाइक वी स्लेप्ट रियली रियली वेल एंड या लेट्स गो डाउन नाउ. That's my outfit wearing my favorite Bliss Club. और ये slippers भी Maybelline वालों ने हमें दिया. How cute. I'm getting pancakes. They are eggless. We also have avocado toast which is very nice as per Ashi. Done with the event and I've changed. Everyone has changed. और यहाँ पे हम content बना रहे हैं. ये देखो. वेरी क्विक वी आर गाइस. हाँ लास्ट कल भी हमने बहुत क्विकली किया था. आज भी हम बहुत क्विकली कर रहे हैं बट कल हमने मोस्टली सब टाइम हमने कितनी बातें की दोपहर को स्लॉट सुबह फिर रात को. Guys, I'm back home. My hair look like a mess and my makeup looks really nice. और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ. मैंने ऑर्डर कर दिया था. मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है. राइट नाउ इट इज 2:30 जितने बज रहे हैं. सो लेट्स ईट एंड लेट्स डू अ लॉट ऑफ वर्क. आज मुझे बहुत ऐसे बैक एंड का काम करना है. स्क्रिप्टिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, अप्रूवल्स हो गया, वो सारे काम करते हैं. गुड इवेंट इट वॉज, सुपर फन. बहुत ऐसे टाइम बाद अच्छा सा इवेंट हुआ, स्टेकेशन टाइप. मजा आ गई. आई हैव ऑर्डर्ड अ थाली अगेन. वी हैव दाल, वी हैव सब्जी, लॉट ऑफ कचुंबर, पराठा, राइस एंड गुलाब जामुन. आई एम बैक फ्रॉम द सैलॉन. मैं सैलॉन चली गई थी क्योंकि मुझे घर में नहीं बैठना था और मुझे थोड़े बहुत काम भी थे सैलॉन में. सो सब करवा के मैं आ चुकी हूँ एंड आई लव माई हेयर. बहुत चिपचिप हो गए थे फेरी वगैरह में जा के एंड आई वॉन्टेड टू ऑयल माई हेयर क्योंकि बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे दे वेंट थ्रू अ लॉट. ओके सो आई जस्ट वॉन्टेड टू पैम्पर देम. तो वो सब कर चुके हैं एंड मम्मा एंड दीदी वे सपोज टू कम टूडे बट दे कुडेंट. सो वो लोग कल आ रहे हैं एंड आई हैव टू बी अलोन हियर एंड इट इज अ टास्क. मतलब इससे थोड़ा अकेला अकेला फील होता है. और मैं कॉलेज में रहा करती थी नॉट प्रैक्टिकली क्योंकि जीनू दीदी शैली दीदी रहते थे मेरे साथ तो टाइमिंग्स ऑफ होते थे बट फिर भी हम रहते थे साथ में थे. सो मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है बट आई ऑल्सो लाइक इट. मतलब आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन एंड ऑल. आई रियली रियली लव स्टेइंग अलोन बट अभी मुझे मम्मी की याद आ रही है. आई मेक नो सेंस एट ऑल बट ठीक है. ओके अब मैं बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हूँ सो आई शुड गो. हम थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं. मुझे बेडशीट चेंज करनी है उसके बाद मैं आई एम वेरी हाई ऑन प्रोडक्टिविटी टुडे तो हम थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगे. सारे आज काम खत्म कर देंगे हम लोग और फिर हम बैठ कर आराम से नेटफ्लिक्स देखेंगे और खाना खाएंगे और चिल करेंगे. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ईट नेचुरल्स टुडे एंड टुमारो गो फॉर अ जॉग काटर रोड पे. सो दैट्स दी प्लान. लेट्स सी हाउ दैट गोज. और मैंने बहुत ही ज्यादा हाथ कर लिया है सो बॉय बॉय बॉय. Guys, our food is here. पहले अब हम खाएंगे खाना और फिर करेंगे बेडशीट चेंज. I'm having पनीर रोल एंड आई एम वॉचिंग मामला लीगल है. हाँ मामला लीगल है. Guys, I've ordered naturals. I'm having malai. I'm obsessed with malai. अगर आप मुझे से दो चार साल पहले बोलते कि मलाई वाली आइसक्रीम तू खाएगी आगे, I'll be like कैसी बातें कर रहा है. I'll never eat मलाई की आइसक्रीम and now I'm obsessed with it. आप लोग बहुत जज करोगे क्योंकि जो मेरा एज ग्रुप है जो मुझे देखता है वो उनको मलाई बिल्कुल नहीं पसंद. आई नो दैट बट आई लव इट. आई एम लविंग दिस फ्लेवर. इट इज टू गुड. सो मेरा तात्पर्य ये था ये पूरे कॉन्वर्जेशन से नेवर से नेवर गाइज. दिस इज माई लाइफ का ऐसे लाइन कि कभी भी किसी चीज के लिए ना मत बोलो. आगे जाके आप
आपका पर्सपेक्टिव, आपकी चॉइसेस बदल सकती है, जैसे कि मेरी मलाई आइसक्रीम के लिए बदल गई. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप, कल मम्मा दीदी आ जाएंगे, ये और कल हम जाएंगे थोड़े अपार्टमेंट्स देखने. वी आर चेंजिंग दिस प्लेस, बट ऐसे मेरे को लग रहा है यार ये प्लेस कितनी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मुंबई से मुझे यही प्लेस याद आती है. एंड दिस इज द फर्स्ट प्लेस इन मुंबई दैट वी गॉट, वेरी क्यूट, वेरी टाइनी माइनी, आई हैव ऐसे मेमोरीज फ्रॉम दिस प्लेस. सो ठीक है, इमोशनल बातें नहीं करेंगे और मजे करेंगे. फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग. हेलो, गुड मॉर्निंग, आई वोक अप, आई टुक शावर और अब हम कपड़े धुलने में डाल देते हैं एंड फिर बनाएंगे हम चाय. ओके गाइस, कपड़े धुल रहे हैं, आई एम गोइंग टू डू माई स्किन केयर फर्स्ट. मम्मा दीदी निकल गए हैं, दे आर अबाउट टू रीच मुंबई सेंट्रल, या पहुंच गए होंगे और फिर वो घर आएंगे, फिर हम बाहर जाएंगे. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे वी आर गोइंग टू फाइनलाइज आवर सेकंड प्लेस इन मुंबई. ओके, आई एम गोना डू माई स्किन केयर एंड देन मेक माई सेल्फ टी. It's time to make chai. सोच रही हूँ मम्मा दीदी के लिए बना लूँ, पूछ लेती हूँ उनको कितना टाइम लगेगा. गाइज, आपने देखा क्या हुआ अभी मेरे साथ, मैं बच गई. बट हमारे घर पे दिस बॉटल थिंग इज नॉट देयर, सो वी आर नॉट यूज्ड टू इट. बट ठीक है, मैं कर रही थी मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे बातें और उतने में ये देख रहे हो ये फैल गया. इतनी गुस्सा आ रही है ना मुझे, कोई बात नहीं. और फिर मैं ना काफी बार मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं उनको पहले ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिंक भेज देती हूँ, अनलिस्टेड लिंक, एंड देन आई मेक इट लाइव. सो इन केस यू डोंट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम और यू हैव नॉट जॉइंड माय ब्रॉडकास्ट चैनल, प्लीज गो. बहुत मस्त मस्त चीजें मैं वहाँ डालती रहती हूँ, सो कर लो गाइज. एकदम वो वैसे वीडियोस फोटोज होते हैं जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर नहीं लग रही होती, जो स्टोरीज पे नहीं जा सकते, बट आई वॉन्ट टू शो इट यू ऑल, देन इट इज फॉर द ब्रॉडकास्ट पीपल. सो यस, फाइनली मैं पहुंच के गई, ये भी अच्छा लगता है. लव यू, थैंक यू. आपके हाथ की चाय, आप मेरे हाथ की चाय पी लेते तो बेटा मुझे अंदर से अच्छा लगता है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. गाइस ये देखो, इसकी मौत आ रही है थोड़ी सी, हमारा प्यार इसे देखा नहीं जाता. गाइस मेरा क्लचर लगा के घूम रही है, मेरी ड्रेस पहन के घूम रही है. कट साहिल, ये सब कट होगा. मुझे रोस्ट करता है साहिल. मम्मी को मेरे बाल बहुत पसंद आ रहे हैं. हाउ क्यूट, बट गाइस दीज आर माय नेचुरल हेयर. हम यही कह रहे थे, हमें जींस में बहुत ही अच्छे बाल मिले हैं. टच वुड, मुझे जींस में सिर्फ बेकार बहन मिली है, बाकी सब अच्छा ही मिला है. अगर आपको भी लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. हम लोग कर रहे हैं मेकअप थोड़ा बहुत, हम जा रहे हैं बाहर. पहले हम जाएंगे थोड़ी पेट पूजा करने, मैंने कहा था हम ब्रंच पे जाएंगे, बट इट इज ऑफिशियली लंच बिकॉज इट इज 1:30 आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, इट इज 1:37 गाइस. तो चलते हैं बाहर, लंच करते हैं एंड देन वी विल गो. हमने वो प्लेस देखी हुई है पहले, हम मम्मी को दिखाने जा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग अंधेरी, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. गाइस मेरे को अंधेरी जाना ही नहीं है, मेरे को बैंड्रा में ही रहना है. मेरा ऐसा है कि मैं थोड़े पापा वाले ख्यालों वाली वो हूँ कि सब देखते हैं बेस्ट वाला, थोड़ा बेस्ट देखते हैं, लेकिन इसको अंधेरे जाना ही नहीं है. हाँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि वो ट्रैफिक गाइस ऐसा नहीं है. आई एम नॉट अ बैंड, आई एम अ बैंड्रा गर्ल वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं है. बैंड्रा गर्ल जो ये बोल रही है वो प्रैक्टिकली सेंस बनाता है, क्योंकि हम लोग सूरत, हम पूरे टाइम, मैं फुल टाइम बॉम्बे नहीं शिफ्ट हो रहे, लाइक 15 डेज हम ट्राई करेंगे और वो 15 डेज में हमें वापस आना होगा. तो मेजरली ट्रेन स्टॉप होती है बोरीवली, बैंड्रा या फिर मुंबई सेंट्रल. तो मुंबई सेंट्रल से अंधेरी आना विल बी अ टास्क एंड ऑल. तो मेरा ये कहना है वैसे भी हम ट्रैवल करके आ रहे होंगे और ट्रैवल ट्रैफिक लूप में हमें नहीं फंसता है और हम यूज टू नहीं है लोकल से. अगर हम मुंबई से होते तो मैं पक्का अंधेरी रहती, क्योंकि वाओ व्हाट अमेजिंग बिल्डिंग्स, क्या फ्लोर्स मिल रहे हैं. यहाँ पे हमारी बिल्डिंग भी पुरानी है, पर ठीक है. वहाँ पे अंधेरी में ना हम लोगों को जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है बैंड्रा में, वो ही सेम चीज बहुत ऐसी सस्ती वाली मिल रही है. एक एक्स्ट्रा रूम मिल रहा है, एक्स्ट्रा रूम, अच्छी बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, जिम, वो सब मिल रहा है. यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ बालकनी भी नहीं मिल रही है गाइस. मतलब मुझे बस ये है कि सूरत मुंबई दोनों बैलेंस हो सके, क्योंकि मुझे दोनों बैलेंस करना है. यो 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 यस, लेट्स गो गाइस.
एकदम बैंड्रा गर्ल वाइब्स दे रहे हैं हम. कैसे लग रहे हैं? हम तीनों में सबसे अच्छा कौन लग रहा है? आंटी. Guys, me and mama are having tomato basil soup. Again, मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, अब मुझे बहुत पसंद है, just like मलाई. Guys, done with our lunch. Now we are heading to see the place जो मुझे और दीदी को पसंद आई थी, मम्मा को दिखाते हैं. And हमने बहुत कम खाया और बहुत मजा आ गई. आई थिंक गर्मी आ गई तो मुझे खाने का मन कम कर रहा है और कुछ भी ऐसे ठंडा ठंडा पीने का मन ज्यादा कर रहा है. So yes, अभी करते हैं ऑटो एंड लेट्स गो. तो अभी बना रही है दाल चावल और कुछ सब्जी. मुझे कच्ची पकी मम्मी कैबेज की सब्जी बनाती है, बहुत पसंद है. मम्मी सारे फ्लावर्स चेक कर रहे हैं. नाइस गाइस, वी सॉ द प्रॉपर्टी एक्सप्लोरिंग नियर बाय प्लेसेस. सो फार वी आर लाइकिंग इट. व्हाट डू यू से? यस, सो फार वी आर लाइकिंग इट. हमने प्लेस देख ली. वी आर जस्ट ऐसे डिस्कसिंग इंटरनली क्या करना है हमें. गाइस, मुझे ना इन लोगों ने बार्गेनिंग का काम दिया हुआ है. अभी हम जा रहे हैं, मैं और दीदी काम कर रही हूं. वी आर गोइंग टू सबको. आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, बट आई लाइक दैट सोर्डो विद चॉकलेट. ये कुछ मंगवा दिए, मेरे को पसंद है तो बस वही खाएंगे और काम करेंगे. मैंने मंगवाया था, पसंद नहीं आया था. मैं कॉफी पीऊंगी, ये खाएगी और हम काम करेंगे. गाइस, ये चॉकलेट चाहिए कितने की है? थोड़ा सा प्रेशर में खरीद ली थी. दीदी इज अ वेरी डॉग पर्सनैलिटी. प्यार से वैसे डॉग बोल रही हूँ, बट शी इज एक्चुअली लाइक दैट. I am a cat personality. I take time. I like to be on myself, I like to be with myself and all. And my sister will be is a people pleaser. So we are a good combination. मुझे स्पेशल से तो खाने का मन नहीं कर रहा. स्पेशल है. इट्स स्पेशल. Not my type, but it's good. Guys, this is what happens when you are a people pleaser. You can't say no, and you get stupid shit. Guys, yum. चॉकलेट खरीद लाई थी एक्सपेंसिव थी. चलो ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है इसने जो अपनी आइस लाते है जो ये नॉर्मली पीती है नॉर्मल मिल्क में, उसने बोला मैम कोकोनट मिल्क ट्राई करो, बहुत अच्छा है. इसको नहीं पीना कहा. अच्छी अग्री थी. What kind of people pleaser are you? It is not about people pleaser, पता है मेरे पीरियड्स का डे वन है. इट्स बैक. मैंने उनको बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद आ रही है, ये ले लो और मुझे नॉर्मल मिल्क दे दो. गाइस, गुड जॉब. आपको ये पता चलता है आपको ओपिनियन स्टैंड करना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. ओके बाय.